आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। और ये पांचवी बड़ी खबर जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ भाजपा से और INH 24/7 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बना दिया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बुधवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने उनके नाम की घोषणा की। इस बैठक में प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन और संगठन के महामंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि अब तक तीन बार विधायक चुने गए हैं नारायण जंगेल और लगातार जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ते रहे हैं। 1998 से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर रहे और 1998 में मध्य प्रदेश के समय में उन्होंने जांजगीर चांपा सीट से चुनाव लड़ा, पहली बार विधायक चुने गए। और इसके बाद 2003 में, हालांकि उन्हें जब राज्य गठन के बाद में जब चुनाव हुए तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2008 में फिर इसी सीट से चुनाव जीते और उस वक्त उन्हें विधानसभा में उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 2018 में एक बार फिर से इस सीट पर मोतीलाल देवांगन को चुनाव हराकर ये विधायक बने हैं और इस बार इन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से एक बड़ा दांव खेला है। हालांकि इससे पहले धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष थे, वो भी ओबीसी वर्ग से ही आते थे लेकिन बिलासपुर संभाग से थे, लेकिन और जांजगीर चांपा से आते हैं, ये भी बिलासपुर संभाग से ही है और ओबीसी वर्ग से ही इस बार नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष अब बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही हमारी प्राथमिकता की बात, हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। 4.25 साल के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आवाज को हमने बुलंद करने का प्रयास किया है और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ी है हमारे सभी विधायक साथियों के सहयोग से। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे।